नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड डेवलपमेंट की वीडियोस, न्यूज से रिलेटेड अपडेट, स्कीम से रिलेटेड अपडेट या प्राधिकरण से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है वो अपनी चैनल, कंपनी के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। उसी सीरीज में आज हम यमुना प्राधिकरण के 79वीं बोर्ड बैठक की पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के दौरान। इस वीडियो में आपको बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो के दौरान प्राधिकरण के अंदर जो एक्टिविटीज हुई है पिछले कुछ समय में या आगे के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो बोर्ड बैठक के अंदर होता है। इसी वीडियो में उसका पूरा निचोड़ आपको मिलेगा, पूरी बोर्ड बैठक का या आने वाले समय में क्या क्या चीजों की टाइमलाइन बढ़ाई गई है। जैसा कि हमने कल आपको एक वीडियो में बताया था, फिल्म सिटी की में जो भी एक्टिविटी चेंज हुई है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। जो यहां से जुड़े हुए हैं उनको इंटरेस्ट आता है इस तरह की वीडियो देखने में, जो अभी नहीं जुड़े हैं वो भी अपना समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखें ताकि भविष्य के लिए उनको नॉलेज मिल जाती है कि क्या क्या चीजें होती है प्राधिकरण के अंदर, कैसे कैसे होती हैं। अभी एक बार थंबनेल पर नजर मारते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ईडा 79 बोर्ड मीटिंग 2024। 79वीं बोर्ड बैठक में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो का थंबनेल था। अब हम आपको इनके द्वारा दी गई विज्ञप्ति को बताएंगे। ये प्रेस नोट है जो बोर्ड बैठक के बाद जारी किया जाता है। इस प्रेस नोट में हम आपको क्रमवाइज चलेंगे। ये 5 पेज का प्रेस नोट है। वीडियो काफी बड़ी हो सकती है लेकिन तसल्ली वगस आपको समझाना ये हमारा कर्तव्य है, तो आप जुड़े रहें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियो में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 29 जनवरी 2024 सोमवार को संपन्न 79वीं बोर्ड बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय। नंबर 1, प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनांक 15-1-2023 तक की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹1784.63 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 23-24 के दिनांक 15-1-2024 तक प्राधिकरण कुल राजस्व 51.7 करोड़ रही है। तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है तो कितना, 5 गुना, लगभग 4 से 5 गुना राजस्व बढ़ा है प्राधिकरण का, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से कुल 285.61% अधिक है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनांक 15-1-2023 तक का कुल राजस्व भुगतान 1204.89 करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिनांक 15-1-2024 तक प्राधिकरण का कुल राजस्व भुगतान 2036.39 करोड़ था, मतलब 2036.39 करोड़ रहा, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इस अवधि में कुल 169.01% अधिक हुआ है। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1-1-2014 तक अर्जित क्रय की गई भूमि के सापेक्ष कृषक जिनका नाम प्राधिकरण द्वारा अर्जित क्रय की पृष्ठ वार्षिक खतौनी में प्राधिकरण की स्थापना स्थिति 24/4/2001 से पूर्व अंकित रहा हो, उनकी अर्जित क्रय की गई भूमि के सापेक्ष 7% आबादी भूखंड का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ये टॉपिक काफी लोग हमसे पूछते रहते हैं कि हमने यहाँ पर जमीन परचेज कर रखी है, क्या हमें भी उसका लाभ मिलेगा। तो अभी हम आपको बता दें, दोबारा से इस क्लोज को मैं रीड आउट कर देता हूं। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1-1-2014 तक अर्जित, मतलब जिसने 1 जनवरी 2014 तक अर्जित क्रय की गई भूमि के सापेक्ष कृषक जिन्होंने भूमि इस एरिए में, यमुना प्राधिकरण के एरिए में 2014 तक खरीदी है, बाय की है, जिनका नाम प्राधिकरण द्वारा अर्जित क्रय की श्रेष्ठ वार्षिक खतौनी में प्राधिकरण की स्थापना तिथि 24/4/2001 से पूर्व अंकित रहा हो,
उनको अर्जित किराए की गई भूमि के सापेक्ष 7% आबादी भूखंड का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। नंबर तीन, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा जनहित में तथा क्षेत्रीय कृषकों की मांग के दृष्टिगत उनको आवंटित 7% आबादी भूखंड के सापेक्ष जारी किए गए आवंटन पत्र तथा पूर्व में जारी आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल धनराशि पर लगने वाले ब्याज में 7% छूट, मतलब पूरी पूरी छूट, पूर्व में जिन आवंटियों द्वारा दिए धनराशि ब्याज सहित जमा की जा चुकी है उनको छोड़कर, जिन्होंने जमा कर दी है उनको छोड़कर बाकी सभी को पूरा 7% छूट का निर्णय लिया गया है प्राधिकरण के द्वारा। तो आप इस क्लोज के अंदर अगर आते हैं तो ये आपको एक बेनिफिट हुआ है, जो आप पर ब्याज या पेनल इंटरेस्ट लग रहा था, किसान हैं अगर आप, आपके 7% भूखंड पर जिनको अलॉटमेंट जारी कर दिए गए हैं या पहले भविष्य में जारी कर चुके हैं उन पर पूरी पूरी छूट मिली है, उनको कोई भी ब्याज नहीं देना है। नंबर चार, यमुना एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्लोज नंबर फोर को आप अच्छे से समझें, इसके क्या फायदे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को सुगम करने हेतु इसके जंक्शन बिंदु पर बिंदु 4 लूप व 4 रैंप एवं 4 अतिरिक्त रैंप बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इन रैंप के निर्माण से यमुना एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल मार्ग के माध्यम से कुंडली, सोनीपत, मेरठ, मानेसर आदि पर आने जाने हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। इस इंटरचेंज को बनाए जाने हेतु एनएचएआई एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मध्य एमओयू भी निष्पादित किया जा चुका है। ग्राम जगनपुर, अफजलपुर, परगना, दनकोर के प्रभावित कृषकों द्वारा भूमि का प्रतिकर जन न उठाना, मतलब 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर वह 7% आबादी स्थल की मांग में विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों के कारण इस इंटरचेंज के निर्माण में काफी देरी हुई। अब संबंधित कृषकों द्वारा इंटरचेंज पर सहमति के साथ प्रतिकर प्राप्त कर किया जा रहा है तथा प्राधिकरण द्वारा उनकी मांग के अनुसार 7% आबादी भूखंड हेतु स्थान चिन्हित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। निर्माण कार्यों में देरी के कारण पूर्व में स्वीकृति लागत 75.50 करोड़ से बढ़कर अब 122.89 करोड़ हो गई है। परीक्षा उपरांत जिस पर एनएचएआई द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है। ये विवाद काफी लंबे समय से चला जिससे लोगों को सफर करना पड़ा, लोगों को ईस्टर्न पेरिफेरल से यमुना को ज्वाइन करने के लिए ग्रेटर नोएडा के अंदर से आना पड़ता था। अगर आप यमुना से आ रहे हैं आपको पेरिफेरल जाना है तो भी आपको ग्रेटर नोएडा, उस चीज को देखते हुए इनका इंटरचेंज बनाना काफी समय से चर्चा में था। ये आप देखेंगे इसका शिलान्यास भी हो चुका है, अब इसका कार्य आपको तेजी से होता हुआ नजर आएगा। जो चीज इसके अंदर लिखी हुई है सेम इसी कंडीशन पे किसान को, फार्मर को एग्री करते हुए उनकी शर्तों को मानते हुए उनको 7% उनके हिसाब से दिया जा रहा है और बाकी 64.7% आधे किसानों से ज्यादा किसानों को चला गया है जिन्होंने अभी कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है या उसको वापिस ले रहे हैं, उनको उसका नोटिस मतलब वापसी लेने के बाद उनको भी दिया जा रहा है, मतलब प्राधिकरण की तरफ से रुकावट नहीं है। इसी के साथ क्लोज नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एसडीएस इंफ्राकॉन बिल्डर है, जो एनआरआई टाउनशिप है प्लॉट के लिए अवेलेबल, सबसे पहले सेक्टर 26 ए के अंदर एसडीएस की एनआरआई टाउनशिप है। इस प्राधिकरण का एरिया जब शुरू होता है तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले यही है, एसडीएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आवंटियां, बायर्स आदि जिनके द्वारा लीज डीड निष्पादित करवाई जा चुकी है को विकासकर्ता कंपनी द्वारा अभी भी स्थल पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने के कारण भूखंड पर भवन निर्माण पूर्ण करने हेतु निशुल्क समय अवधि दिनांक 31/12/2024 तक देने का निर्णय लिया गया है। इस समय वृद्धि से होने वाले वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति में एसडीएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड जो भी इस पर एक्सपेंस बढ़ेंगे वो उस एसडीएस इंफ्राकॉन से लिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट प्राधिकरण की
श्री अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर लागू लीगेसी इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट में सम्मिलित है। नंबर 6, संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत 10 एकड़ व उससे अधिक आकार के संस्थागत उपयोग के भूखंडों को यथा डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स अकेडमी, मेडिकल कॉलेज में अस्पताल को ई ऑक्शन की परिधि से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। ये जो भी 10 एकड़ से अधिक आकार के संस्थागत है, जो भी इंस्टीट्यूशनल प्लॉट है 10 एकड़ से ऊपर के, उनको ई ऑक्शन से बाहर रखा गया है। ई ऑक्शन नहीं होगा, आप डायरेक्ट अलॉटमेंट के लिए जा सकते हैं अपनी प्रोफाइल दिखा के। 10 एकड़ से ऊपर प्राधिकरण के आवंटियों के अनुरोध एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत समस्त आवासीय भवन भूखंड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के आवंटियों जिनको लीज डीड निष्पादित कराए जाने हेतु दिनांक 31/12/2023 तक चेकलिस्ट प्रसिद्ध की जा चुकी है, उनको दिनांक 30/6/2024 तक निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ये रिहायश या इंस्टीट्यूशनल या किसी भी के अंदर जिसको लीज डीड के लिए पत्र जारी कर दिया गया है, उनको विदाउट कोई इंटरेस्ट पेनल्टी 30/6/2024 तक का समय दिया जाता है इसका, कि आप तब तक रजिस्ट्री कराएं। मतलब पूरा 6 महीने का टाइम आपके लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी वहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, जैसे पानी की लाइन, सीवर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी। ये 6 महीने का ही समय इनमें लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको वायरिंग भी डाल दी गई है लेकिन अभी सप्लाई नहीं छोड़ी गई, बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं। तो अभी इसलिए 6 महीने का आपको पीरियड एक दिया है जो कि आपको पेनल्टी उसमें नहीं देनी है। क्लोज नंबर 8, आवंटियों की मांग पर प्राधिकरण बीएचएस योजनाओं तथा बीएचएस 2, बीएचएस 3 तथा बीएचएस 007 में 54.75 वर्ग मीटर के भवनों के आवंटी यदि दिनांक 31/3/2024 तक रिफंड हेतु आवेदन करते हैं तो भवन के सापेक्ष जमा संपूर्ण धनराशि ब्रोशर के नियम एवं शर्त के अनुसार 4% साधारण ब्याज सहित पैनल इंटरेस्ट छोड़कर एवं डिफॉल्ट धनराशि की कटौती के उपरांत रिफंड ले सकते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, ये क्लोज जो रिहायश के एलओटी हैं सेक्टर प्लॉट्स के, उनको भी 2019-20 में देखने को मिला था, लेकिन उनको आज के टाइम में इस क्लोज को फॉलो करने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला था। आज इस पैसे को अगर आप वापस भी ले लेते हैं तो आपको इस पैसे में और कुछ यमुना एक्सप्रेसवे पे मिलने वाला नहीं है। जैसे ही आपकी प्रोफाइल ये खाली होती है, भविष्य में प्राधिकरण को ही अच्छे भाव में बेचते हुए देखते हुए आप नजर आएंगे, आपको नजर आएगा प्राधिकरण अच्छे भाव में बेचते हुए। जो जहां लगा हुआ है उसको लगा रहने दें, इंतजार करें, इंतजार में आपको फल अच्छा मिलेगा। आपको जो भी रिहायश के अलॉटी हैं अपार्टमेंट वाले, उनको 54.75 वर्ग मीटर के भवनों के आवंटी यदि दिनांक 31/3/2024 तक रिफंड हेतु आवेदन करते हैं तो भवन के सापेक्ष जमा संपूर्ण धनराशि ब्रोशर के नियम के हिसाब से प्लस 4% इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन दोबारा आप चाहेंगे वही चीज आपको उस रेट में नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राधिकरण को पता है मेरा एरिया, मेरी जगह अब महंगी है, महंगी होने वाली है, तो मैं उसी की वापसी प्राप्ति करके उसी को महंगे रेट में भविष्य में बेच सकता हूं। ये प्राधिकरण को पता है। तो जब आपके पास ऑलरेडी वो चीज है तो आप इस कच्चे लालच में ना पड़े, आप कुछ देनदारी है उसको पूरी करके अपनी प्रोफाइल को ओके कर लें, आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां पर वीवो के चल जाने के बाद, पतंजलि के चल जाने के बाद, आपको सबसे पहले इन्हीं फ्लैटों का रिजल्ट मिलेगा। आज की डेट में अगर किसी बिल्डर टाउनशिप में आप जाते हैं तो आपको 5,000 रुपए मिनिमम रीसेल में स्क्वायर फीट में मिलता है। आप 1,000 स्क्वायर फीट का भी लेने जाएंगे तो 50 लाख का आपको मिलेगा। तो आप ये गलती ना करें, हम आपको बता रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है अपने डिसीजन का।
क्लोज नंबर नाइन, इस प्रकार सेक्टर 22 डी में प्राधिकरण की वर्तमान में प्रचलित प्रथम आवत प्रथम पावत बीएचएस योजना एमआईजी एस प्लस 16 के आवंटियों की मांग पर आवंटी या उनके आश्रित जो कि दिव्यांग श्रेणी सीनियर सिटीजन वृद्ध या किसी अन्य गंभीर बीमारी अथवा क्रिटिकल इलनेस से पीड़ित है, पीड़ित को भवन उपलब्ध होने की स्थिति में तल परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है। तल परिवर्तन केवल उन्हीं आवंटियों के लिए किया जाएगा जिनके द्वारा अभी लीज डीड निष्पादित नहीं की गई है। गंभीर बीमारियों के संबंध में स्पेशलाइज डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में प्रथम आवत प्रथम पावत योजनाओं के अंतर्गत आवेदक को इन्वेंट्री चॉइस की सुविधा भी मिलनी चाहिए ताकि यह वह उपलब्धता के आधार पर अपनी पसंद की यूनिट हेतु आवेदन कर सके। देखिए अभी जो स्कीम चल रही थी कि आप ओपन एंडेड स्कीम बोलते हैं इसको, आप आए पहले आए आपको पहले मिलेगा, उस केस में फिर ड्रॉ कर दिया गया तो आपको चॉइस नहीं कि हमें इस फ्लोर का फ्लैट लेना है। अब इनके पास ऑप्शंस हैं तो आपको सेटलमेंट कर सकते हैं, बट अगर आपने सब रजिस्ट्रार के यहां उसका रजिस्ट्री करा ली है तो फिर उसमें आप तल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राधिकरण के एंड पर अभी अलोटी हैं, आपने केवल पेमेंट दिए तो केवल इनको पैसा मिल चुका है लेकिन अलोटमेंट लेटर को चेंज करना है, उसमें नाम नंबर नाम सेम रहेगा, नंबर फ्लैट का आपके चॉइस के हिसाब से डाल दिया जाएगा, उसमें हो सकता है कुछ पीएलसी प्राधिकरण चार्ज करे आपकी चॉइस वाली पीएलसी, तो अभी आप ये चेंज करा सकते हैं ये प्राधिकरण के एंड से। लेकिन भविष्य में जब भी इस तरह की स्कीम आएगी तो आपके हिसाब से वो चॉइस का आपको फ्लैट देंगे ताकि आप उसको ले या ना ले, आप तभी डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना, ये क्लॉज ऑलरेडी हम बीते कल की वीडियो में आपको दिखा चुके हैं, ये क्लॉज फुलफिल हो चुकी है ऑलरेडी, हमारी आप फिल्म सिटी की वीडियो देख चुके हैं क्योंकि एक दिन पहले ये फाइनल हुई थी बोर्ड बैठक 29 को, 30 को ये आपको देखने को मिली थी फिल्म सिटी की फाइनल बिडिंग। यहां आप देख रहे हैं फाइनेंशियल बिड मंगलवार दिनांक 30/1/2024 को खोली जाएगी, तो वो खुल चुकी है ऑलरेडी, बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप पर जा चुकी है। अब हम क्लोज नंबर 11 पे प्रकाश डालते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत जनपद मथुरा में राया नगरी केंद्र में स्थापित की जाने वाली हेरिटेज सिटी के विकास हेतु संशोधित फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं डीपीआर परामर्शदाता कंपनी में सीबीआरई द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इसका प्रस्तुतीकरण भी बोर्ड के समक्ष किया गया, जिसमें थीम बेस्ड हेरिटेज सेंटर, योगा वेलनेस सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, होटल, स्थानीय कला एवं कलाकारों के लिए होट डेवलपमेंट का विकास आदि प्रस्तावित है तथा जिसके विकास निर्माण हेतु सलाहकार संस्था द्वारा दो विकल्प सुझाए गए हैं। पीपीपी मोड पर विकसित की जाने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना 753 एकड़ भूमि पर विकसित की जानी है, प्रस्तावित है तथा इस पर करीब 1220 करोड़ की लागत संभावित है। बोर्ड के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, तदुपरांत सीबीआरई द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर पीपीपी गाइडलाइन के अनुसार बिड इवेल्युएशन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार राया अर्बन सेंटर की महायोजना में आवश्यक संशोधनों की कार्रवाई परामर्शदाता संस्था में मैशर्स प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से करवाई जा रही है। ये बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी परियोजना रहेगी। ईड़ा सिटी के बाद अगर राया हेरिटेज जब आता है तो ये बहुत ही अच्छी योजना होगी। जैसे जैसे इस पे गतिविधि आगे बढ़ती रहेगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि राया मथुरा से बिलोंग करता है और ब्रजभूमि के नियर बाय एक ऐसी सिटी ये बनाने जा रहे हैं जिसमें ब्रज से रिलेटेड सारी आकर्षित चीजें वहां आपको देखने को मिलेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यालय एवं फोर जोनल कार्यवाही तथा स्टाफ हाउसिंग हेतु वास्तुविद संस्था के चयन हेतु प्राधिकरण द्वारा आरएफपी जारी किया गया था।
प्राप्त आवेदनों का प्रस्तुतिकरण एवं फाइनेंशियल बिड के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण का प्रशासनिक कार्यालय सेक्टर 18 में तथा चार जोनल कार्यालय क्रमशः सेक्टर 22D, 29, 22E एवं सेक्टर 17 में प्रस्तावित किए गए हैं। ऑलरेडी ऑफिस के लिए सेक्टर 18 में स्पेस है जो मेन ऑफिस रहेगा, बाकी जोनल ऑफिस सेक्टर वाइज रखे गए। जैसे 22D है, रिहायश के पूरा अपार्टमेंट वाला पार्ट है, 29 पूरा इंडस्ट्रियल वाला पार्ट है, 22E इंस्टीट्यूशनल है और सेक्टर 17 बिल्कुल राइट साइड में रेजिडेंशियल है, बाकी मेन ऑफिस 18 में रहने वाला। तो ये चार जोनल ऑफिस, एक हेड ऑफिस, ये यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18, 22D, 29, 22E और 17 में बनने जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे सम्यक विचारोपरांत बोर्ड द्वारा स्वीकृति कर उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाएगा। ड्राफ्ट महायोजना 2041 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहले ये इसमें कई बार चेंज आ चुका है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो अड़चन पैदा करती हैं या कंपनी को वो पसंद नहीं आती है, फिर दोबारा से एक बार अनुमोदन के लिए शासन के सामने भेजा गया है, प्राधिकरण ने उसको मंजूरी दे दी है। अब आगे शासन जैसे ही मंजूरी देता है तो वो लागू हो जाएगा। ऑलमोस्ट उसमें सारी चीजें लागू हैं, कहीं कहीं कुछ बदलाव करने हैं, बदलाव के लिए वो करके अब ये दोबारा से भेज रहे हैं। उल्लेखनीय क्या क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 6 जनपदों तथा गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा एवं आगरा तक फैला हुआ है तथा प्राधिकरण के क्षेत्र अंतर्गत इन जनपदों में के कुल 1149 राजस्व ग्राम अधिसूचित हैं। प्राधिकरण द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर एवं बुलंदशहर में प्रथम चरण में विकास योजनाओं का कार्य, जनपद अलीगढ़ में लॉजिस्टिक पार्क योजना का कार्य तथा जनपद मथुरा में हेरिटेज सिटी परियोजना का कार्य प्रगति पर है। अब प्राधिकरण द्वारा जनपद आगरा में भी अर्बन सेंटर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा फिजिबिलिटी के आधार पर यमुना एक्सप्रेसवे के समीप करीब 1050 हेक्टेयर भूमि पर अर्बन सेंटर विकसित करने हेतु महायोजना तैयार कराए जाने के लिए RFP के माध्यम से ई टेंडर जारी कर कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा। देखिए, इस एक्सप्रेसवे से टच करते हुए जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सभी प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर पहले चरण में आता है, क्योंकि ईड़ा सिटी का जो मास्टर प्लान 2041 है, 31 तक ईड़ा सिटी में गौतम बुद्ध नगर का हस्तक्षेप रहा, जैसे 41 को टच किया तो बुलंदशहर का हस्तक्षेप आ गया। उसी के अंदर, उसी समय सारणी के अंदर टप्पल में लॉजिस्टिक हब का बनना अलीगढ़ टच कर जाता है, मथुरा में राया हेरिटेज सिटी बनना तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट को टच कर जाता है, अब अर्बन सेंटर बनने से आगरा टच कर जाता है। एक तरीके से उस एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को हर एंगल पर कवर कर रहा है प्राधिकरण। अब उस बेल्ट में, उस दौरान एयरपोर्ट के गतिविधि चलने से जो कमर्शियल एक्टिविटीज यहां बढ़ेंगी, तो एक लैंड बैंक प्राधिकरण के पास ऑलरेडी इन सारे डिस्ट्रिक्टों का होगा, जिसको पहले ही नोटिफाइड कर देता है प्राधिकरण, जिसमें खरीद फरोख्त होती है, लेकिन जब प्राधिकरण को जरूरत पड़ती है वो ले सकता है। ड्रोन सर्वे 41 पहले, बहुत पहले हो चुका था, अब आगे की भविष्य की प्लानिंग जो होगी 41 की, इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर प्राधिकरण उसको अपने कब्जे में ले लेगा और उस एरिया को नोटिफाइड जोन बना देगा। तो जानी जमीन सभी की है आगरा तक, लेकिन जैसे जैसे प्राधिकरण को जमीन की जरूरत होगी, जैसे जैसे प्राधिकरण को डिमांड आएगी, वैसे वैसे उस एरिया की जमीन को प्राधिकरण लेता रहेगा, मुआवजा देता रहेगा, समय समय के हिसाब से एक्विजिशन का जो रेट है वो बढ़ता रहेगा, जैसा कि पहले से होता आया है। अब तो किसान की हर बात को स्वीकार करता है प्राधिकरण, स्वीकार करने के बाद भी उसको बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं तो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां प्राधिकरण से लैंड परचेज कर लेती हैं। क्लोज नंबर 14 में हम देखें क्या लिखा है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा फिनटेक सिटी, फिनटेक हब की परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी कम DPR रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्शदाता संस्था के चयन हेतु दिनांक 17/11/2023 को RFP जारी की गई थी। अंतिम तिथि तक इसमें 5 आवेदन प्राप्त हुए।
उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेसवे और विकास प्राधिकरण का प्रथम चरण का यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर प्राधिकरण के सहयोग से नियाल द्वारा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रथम चरण का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। प्राधिकरण अगर ये बात बोल रहा है कि पहला चरण हमारा अब अंतिम चरण में है उसका निर्माण कार्य, तो जो समय बाउंडेशन है उससे पहले प्रथम चरण का एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें रनवे पूर्णतः कंप्लीट है, जिसमें ट्रायल होना शुरू हो जाएगा। 4 से 5 महीने ट्रायल चलेगा। जैसे ही सितंबर माह आएगा उससे पहले आपको यहां से डोमेस्टिक, कार्गो, इंटरनेशनल सभी तरह की फ्लाइट देखने को मिलेगी। इवन जो यमुना एक्सप्रेसवे से मेन एंट्री रहने वाली है उस पर 70% काम कंप्लीट हो चुका है। जो मेन एंट्रेंस आपका एयरपोर्ट के लिए खुलेगा उसका 70% हाईवे की कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। आप कभी भी एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो जब आप इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस करते हो, नियर बाय जेवर पहुंचते हैं, उससे पहले एक्सप्रेसवे पर आपको अलग सी एक्टिविटीज देखने को मिलती है। रोड का छोटा हो जाना, वहां पर निर्माण कार्य का बड़े रूप में चलना, लेफ्ट साइड में जिस साइड में एयरपोर्ट है वहां दूर तक आपको ऐसा डेवलपमेंट होता नजर आता है जैसे कि ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस है जो फर्स्ट में आपको पहले फेस की एंट्री देने वाला है। ये आप आज की डेट में ग्राउंड स्तर पर देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी वाइब्स है कि एयरपोर्ट का काम बहुत जल्दी से और तेजी से चल रहा है, अंतिम चरण में है तथा इसी वर्ष सितंबर 2024 में कमर्शियल उड़ानें प्रारंभ हो जाएंगी। प्राधिकरण की यह क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या तो जुड़ा हुआ है या निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को चोला रेलवे स्टेशन से भी जोड़े जाने की योजना पर कार्य चल रहा है। भारत सरकार की ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर कलकत्ता से अमृतसर एवं वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर मुंबई से दादरी का समीपवर्ती बिंदु चोला रेलवे स्टेशन है। साथ ही इस क्षेत्र को आरआरटीएस परियोजना में भी जोड़े जाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कार्य भी अंतिम चरण में है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं तथा इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना, मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना, टॉय पार्क परियोजना, डाटा सेंटर पार्क, अप्रैल पार्क, एमएसएमई आदि सहित भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं गतिमान है। निकट भविष्य में प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट पार्क, लेदर पार्क, प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क, टेक्सटाइल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क सहित कई अन्य विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण परियोजना के दृष्टिगत इस क्षेत्र में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से संबंधित संस्थाओं के विकास की अपार संभावनाएं परिलक्षित हुई हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में फिनटेक सिटी, फिनटेक हब स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। अभी आप बोलते हैं क्या है यमुना एक्सप्रेसवे पे, जितने मैंने नाम बताए हैं बोले हैं ये या तो कुछ ग्राउंड पे है या कुछ ग्राउंड पे आने वाले हैं या किसी की परियोजना भविष्य में आएगी, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी। तो उस समय आप सोचिए कि ये सब उद्योग जो लगाए जा रहे हैं, ये जो इकाई लगाई जा रही है, ये आने वाले टाइम का इस शहर का क्या भविष्य होने वाला है। यूनिक नाम, यूनिक चीजें आपको देखने को इस एक्सप्रेसवे के सिटी पर मिलेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में विभिन्न परियोजनाओं में अनुरक्षण संबंधी कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा एक अलग से अनुरक्षण सर्किल का गठन करने का निर्णय लिया गया है। जब काम फैल जाता है तो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, जो अलग अलग इकाइयां गठित की जाती है, जो सर्वे करती रहती है क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कैसे बढ़ा गए, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है इस तरह के। अब प्राधिकरण अकेला क्या क्या कर लेगा, इसलिए इस तरह की इकाइयां, कंपनियां अब प्राधिकरण से जुड़ती रहेंगी जो स्पेशलाइजेशन रखती है उस क्षेत्र में। इसलिए इन सबसे काम आपको तेजी से देखने को मिलेगा। इन सबके जुड़ने से काम की जब प्रॉपर एनालाइजेशन होगी तो वो काम आपको तेजी से देखने को मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थापित होने वाले विभिन्न पार्कों, ग्रीन बेल्ट, रोटरी आदि के एडॉप्शन के लिए नीति बनाई गई है। इसके अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में
संचालित कंपनियां, संस्थाओं आदि द्वारा बनाई गई नीति की नियम व शर्तों के अनुसार ग्रीन बेल्ट आदि को विकसित अडॉप्ट किया जाएगा जा सकेगा। मतलब जैसे आप यहां जो भी ग्रीन है या जैसे साइड में ग्रीन बेल्ट आती है या कुछ भी है, वो उसके हिसाब से, नीति के हिसाब से अडॉप्ट किया जा सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में हाईवे गश्त, शांति व्यवस्था बनाए रखने जाने, सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधों से रोकथाम, अपराधों में रोकथाम के दृष्टिगत पुलिस विभाग को 4 वाहन इनोवा एवं बुलेरो किराए पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था को बढ़ाने पर सहमति प्रदान की गई है। मतलब डिमांड आई होगी प्राधिकरण के पास उस एरिया के लिए, इसलिए इस तरह के वाहन प्राधिकरण देगा। प्राधिकरण द्वारा समय समय विभिन्न वाणिज्य भूखंडों, क्योस्क, शॉप्स, ग्रुप हाउसिंग भूखंड, होटल, पेट्रोल पंप आदि की योजनाएं लॉन्च की गई, परंतु ई ऑक्शन पद्धति के अनुसार समुचित बिड प्राप्त न होने पाने के कारण प्राप्त आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। इस प्रकार कई बार स्कीम निकालने के बाद भी आवंटन की कार्यवाही नहीं हो पाई, अतः अब प्राधिकरण कार्यालय हित में समस्त ई ऑक्शन की योजना में रोल ओवर की नीति लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। रोल ओवर पर एक प्रकाश डाल देंगे, पहले हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं रोल ओवर में क्या होगा, फिर आपको भी प्रकाश डाल देंगे। श्री अमिताभ कांत समिति की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में लीगेसी इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 21/12/2023 को जारी शासन आदेश को अंगीकृत किया गया। प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग के अपूर्ण प्रोजेक्ट को इसी आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान में प्राधिकरण में 9 परियोजनाओं की ड्यूज आदि की गणना एवं परीक्षण का कार्य गतिमान है। विभिन्न आवंटियों के अनुरोध तथा किसानों को 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किए जाने की प्रक्रिया के कारण स्थल पर व्यवस्थापन, विकास के कार्य व संपर्क मार्ग आदि के कार्य पूर्ण न हो पाने के दृष्टिगत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं अर्थात समस्त आवासीय भूखंड, समस्त औद्योगिक एवं समस्त योजनाओं के ऐसे समस्त आवंटी जिनको पूर्व में चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, लीज निष्पादन हेतु तथा उपरोक्त वर्णित सभी योजनाओं के ऐसे सभी आवंटी जिनके द्वारा पूर्व में निष्पादित लीजिड के अनुसार भवन निर्माण की अवधि समाप्त हो रही है, दिनांक 30 जून 2024 तक निशुल्क समय विस्तारण दिया जाएगा। जिनको कंप्लीशन बनाना है उनको भी 30 जून का टाइम है, जिनको रजिस्ट्री करानी है उनको भी 30 जून का टाइम है, तो सभी के पास 6 महीने का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के फेज 2 क्षेत्र की महायोजना 2031 संपूर्ण क्षेत्र रीजनल लेवल योजना एवं राया अर्बन सेंटर की महायोजना में संशोधन स्वीकार किया गया है, इसे अनुमोदनार्थ शासन को प्रसिद्ध किया जाएगा। प्राधिकरण की 58वीं व 78वीं बोर्ड बैठक में ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप औद्योगिक भूखंड एवं संस्थागत परियोजना हेतु अनुमान्य की गई शून्यकाल अवधि 0 पीरियड की सुविधा प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखंड परिसंपत्तियों पर भी लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार न्यायालय में स्थगन आदेश रहने के कारण आवंटन पट्टा पड़ ले कब्जे की प्रक्रिया पर रोक हो अथवा निर्माण कार्य आगे नहीं किया जा सकता हो, शासन आदेश प्राधिकरण बोर्ड के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पट्टा पड़लेख निस्तारित न हो सके, यदि किसी भूखंड पर कब्जा दिया जा चुका है तथा पट्टा पड़लेख का निष्पादन भी हो चुका है परंतु आवंटित भूखंड के लिए एक स्पष्ट पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्राधिकरण द्वारा पहुंच मार्ग की भूमि पर विधिक कब्जा किन्हीं कारणवश प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके कारण आवंटित भूखंड पर निर्माण विकास कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसे प्रकरणों सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से पुष्टि कराई जाएगी, परियोजना का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, शून्यकाल की मांग हेतु आवंटी को पहले अतिरिक्त प्रतिकर की समस्त मूल धनराशि प्राधिकरण में जमा करवानी होगी तथा साथ जिन आवंटियों द्वारा मान्य उच्चतम न्यायालय एनसीएलटी व अन्य किसी भी फॉर्म में वाद दायर किया गया हो तो पहले उसे वापिस लेना होगा, तभी सुविधाओं के लाभ के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकंडक्टर पार्क विकसित किए जाने हेतु मैसर्स एमएस तारक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमि की मांग की गई।
टी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के अनुरूप उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत आवंटन की कार्रवाई किए जाने की बात कही है। प्राधिकरण द्वारा मान्य मंत्री परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को अंगीकृत किया गया। उक्त नीति के अनुसार सेमीकंडक्टर पार्क के विकास के फलस्वरूप प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं राजस्व प्राप्ति की अधिक संभावना प्रबल होंगी। तो साथियों, ये जो आपने देखा, ये बोर्ड बैठक का जो भी निचोड़ था वो आपके सामने है। इससे दो बेसिक चीजें, एक तो आपको अगर आप कंप्लीशन करा रहे तो भी 6 महीने का टाइम मिलता है, अगर आपने पहले लीज डीड कराई है समय निकल गया है डजेंट मैटर, आपने पहले कभी भी चेकलिस्ट हुई है जारी, आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है फिर भी 6 महीने का टाइम है, तो दोनों ही फॉर्मेट में आपको जून तक का समय मिलता है। बहुत ऐसे टॉपिक थे जो आप रियायत वालों से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी संस्थागत से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह की ये जो विज्ञप्ति है, अगर आप इसको व्हाट्सएप लेना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम आपको व्हाट्सएप पे भी इसको शेयर कर देंगे, जिसमें कोई चीज ऐसा हो सकता है मेरे बोलने से आपके समझ में नहीं आई हो, आप खुद से रीड आउट करें, आराम से उसको पढ़ के ये समझ सकते हैं कि इसमें ये क्लोज लिखा हुआ है। एक सार्वजनिक जानकारी हमने बोर्ड बैठक की पूरी आपको दे दी है। इन शर्तों के हिसाब से अब आगे काम होगा, उसके बाद कोई चीज बीच में आती है, उस दौरान आती है, वो अगली बोर्ड बैठक में आपको देखने को मिलता है। तो हर 2-3 महीने पे जो बोर्ड बैठक होती है, ये प्राधिकरण की नीतियों का निचोड़ होता है या कुछ नीतियां लागू होती हैं उसका एक बैठक होती है, बैठक के दौरान उस पर कार्रवाई की जाती है आगे के लिए, या इस दौरान कठिनाइयां जो आती हैं फार्मर्स के एंड से आए या LOT की तरफ से आए, उनको सबको संलग्न किया जाता है, फिर उस पर विकास डाला जाता है पूरी प्रोजेक्ट बनाने के बाद। बैठक जो निर्णय लेती है उसके हिसाब से आगे पत्र जारी किया जाता है कि इस पर मोहर लगी, इस पर मोहर लगी, इस पर मोहर लगी, ये चीज रह गई है, इस पर विचार किया जाएगा, तो वो चीज लेकिन प्रेस नोट जो होता है उसमें सारी चीज मेंशन होती है। अब आपको कोई भी क्वेरी हो प्राधिकरण से रिलेटेड, आप संपर्क कर सकते हैं गुरुदेव रियल एस्टेट की डेडिकेटेड टीम से, आपको सलाह देने में पीछे नहीं रहेगी, आपकी पूर्णतः मदद की जाएगी। और कोई टॉपिक हो जो आपके माइंड में आ रहा हो और हम तक ना पहुंच पा रहा हो या हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम आपको उस पर वीडियो जारी करेंगे। दूसरा, इन सब चीजों से एक कॉन्फिडेंस जो क्रिएट होता है, जो चीज आप अचीव करते हैं उसका फॉर्मेट एक आपको अलग लेवल पे लेके जाके खड़ा कर देता है। ये सारी चीज जब धरातल पे आएंगी तो एक नए शहर, अभी हम रिहायश की बात ही नहीं कर रहे कि आप वहां जाके रहो, लेकिन जब ये सब चीज ग्राउंड स्तर पर आ जाएंगी तो एक मजबूरी बन जाता है इंसान का वहां रहना। और आने वाला समय इतना सुंदर है इस शहर का, बहुत ही सुंदर है, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, आपको एजुकेशन से रिलेटेड अपने बच्चों के लिए आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन के बाद अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें, किसी भी क्षेत्र में आपका बच्चा चला जाए, इस 2041 मास्टर प्लान से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही 15-20 किलोमीटर के रेडियस में आपको सब कुछ मिलेगा। आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आप IT सेक्टर में तो आपको यहां जॉब मिलेगी, आप बॉलीवुड सेक्टर में किसी फिल्म सेक्टर में जाना चाहते हैं तो फिल्म सिटी है, आप पायलट बनना चाहते हैं एयरपोर्ट नियर बाय है, आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं एयरपोर्ट नियर बाय है, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में आपको जाना है, इसी 41 मास्टर प्लान में सब कुछ मिलेगा। और सबसे सुगम, अगर हमारा जीवन पूरा एक एरिया में सुगम तरीके से निकल रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। उस चीज को देखते हुए आप प्लान कर सकते हैं इस यमुना एक्सप्रेस वे पे, आज समय है कि आप खरीद सकते हैं, हो सकता है आने वाले समय में आपकी पॉकेट अफोर्ड ना करे, रेट उतना चला जाए कि आप अफोर्ड ना कर पाए, तो समय रहते आप डिसीजन ले, ये सारी चीज आप ग्राउंड स्तर पर देख रहे हैं। हो सकता है किसी की पॉकेट अभी भी जवाब नहीं दे रही है तो कुछ लोन करा ले, लोन से हेल्प ले ले, लोन करा के फिर आप परचेज कर ले। तो साथियों, यमुना एक्सप्रेस वे भविष्य का बहुत सुंदर शहर होने वाला है, एक अलग शहर होने वाला है,
इसका आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, जो ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर हो, जो इस वीडियो को मेरी को ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर देख रहे हो, वो कभी इस भूमि का वास्तु चेक करें। यमुना एक्सप्रेसवे का जो एरिया 2041 का जो मास्टर प्लान है, उसका आप वास्तु चेक करें कि वो जो लैंड पैच है वो किस तरह के वास्तु के अंदर आता है। सिंपल परिभाषा में मैं आपको बता दूं, आप उस मास्टर प्लान में रहने वाले हैं जिस मास्टर प्लान के दाएं से यमुना जाती है, बाएं से गंगा जाती है, उसके बीच का वो लैंड पैच है, और ये आपको आगरा तक देखने को मिलेगा। वो भूमि जहां पर पानी इतना अच्छा है, रहने के लिए ग्रीनरी बहुत अच्छी है, और नियर बाय आपके गतिविधि बहुत अच्छी है, तो आप चूज कर सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को भविष्य के शहर के साथ, क्योंकि इनकी जो टैगलाइन है फ्यूचर इज हेयर, तो भविष्य है। आप आए यमुना एक्सप्रेसवे, इन्वेस्ट करें, बट जाए नहीं यमुना एक्सप्रेसवे से अभी। जैसा कि हम पहले से बोलते आए हैं, अगर आपके पास आज यमुना एक्सप्रेसवे पे कुछ है तो अभी आप यहां से लेफ्ट आउट ना करें। अगर आप लेफ्ट आउट करते हैं तो ये साल आपका सबसे गलत डिसीजन होने वाला है। इस साल आपके जो भी अब तक आपने कमाया, आपने इन्वेस्ट किया, उसका निचोड़ आपको इस साल में देखने को मिलेगा। सारी चीज इसी साल के अंदर आने वाली है। 2024 है, 24 में आप ये भूल जाएं, 24 31 दिसंबर तक, कि आपकी कोई प्रॉपर्टी यमुना एक्सप्रेसवे पे है। वीडियो सुनते रहे, फीलिंग लेते रहे, कमेंट्स के माध्यम से बताते रहे क्या फील कर रहे हैं, लेकिन रुके 31 दिसंबर 2024 तक, और जो हम बात कर रहे हैं इस पर फिर दिसंबर में बात कर लेंगे कि हम किस हद तक सही थे। हमने बोला रेट बढ़ेगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन एक लेवल पे जाकर जब रेट रुकेगा, इस साल में आपको पूरी 300 मीटर के प्लॉट पर 1 करोड़ रुपए की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। सामान्य प्लॉट 3 करोड़ का मिलेगा आपको लास्ट में, अंत में जो लोकेशन है, जो जितनी आज महंगी हो रही है, वो उसके 1 करोड़ ऊपर मिलेगी। ओवरव्यू है, ओवरव्यू। अगर इस ओवरव्यू से आप संतुष्ट नहीं है तो हर 3 महीने पे क्वार्टर चेक करते रहना। हर महीने का नहीं देखना है, क्वार्टर चेक करते रहना हर 3 महीने पे। कभी आपको 20 लाख ऊपर, कभी आपको 50 लाख ऊपर, कभी आपको 20 लाख नीचे, लेकिन जब साल के अंत में आप पहुंचेंगे तो लाख रुपए मीटर का रेट आपको देखने को मिलेगा 300 से ऊपर के प्लॉट्स में। अगर आप नीचे के प्लॉट की बात करें तो आज भी 1 लाख रुपए मीटर है। 60 मीटर 70 लाख में आता है, 120 मीटर 1 करोड़ 20 लाख में आता है, 162 मीटर 1,55,60 में आता है। तो छोटे प्लॉट आज भी 1 लाख रुपए मीटर है, लेकिन 300 500 1000 2000 4000 रिहायश के प्लॉट आपको 1 लाख रुपए मीटर इसी साल के अंत से पहले देखने को मिलेंगे। तो ये साल आपको रुकना है, जैसा कि गुरुदेव रियल एस्टेट पहले से कहती आई है। ये जो मैंने अभी आपको सरकारी पत्र पर जो निचोड़ है, वो निचोड़ आपको बताया, ये कोई मैंने अपने पास से टाइप करके एडिट करके आपके सामने दी, ये प्रेस नोट प्राधिकरण द्वारा जारी किया 79 बोर्ड बैठक का है। आप इस पत्र को आपने पास मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं, आप पूरी जानकारी खुद से रीड आउट कर सकते हैं। एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रुकना है। आप हमारी मान लें, एक साल आप रुके, आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आपका भविष्य में इस शहर में नहीं रहना है, कहीं और रहना है तो वहां भी आप पैसे अच्छे बना के वहां खरीद सकते हैं, कहीं भी आप खरीद लेंगे। अभी इस साल में मानो पैसा लगाते भी हैं आप तो इतना रिटर्न नहीं आएगा। नीड एक अलग विषय है, नीड में आदमी कुछ भी करता है, प्रॉफिट की तरफ नहीं भागता है, लेकिन अगर नीड नहीं है, यहां से मूवमेंट करना है पैसे का, तो कोई भी ऐसी बेस्ट लोकेशन नहीं है जहां मूवमेंट करके इससे ज्यादा इतने कम समय में आप कमा सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो में त्रुटि नजर आई है, बताएं कमेंट्स के माध्यम से, फुलफिल करेंगे। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 9873442971 नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं, 9667519002 नंबर कपिल यादव, मेरा नाम है, मैं देखता हूं। ऑफिस एड्रेस अथॉरिटी के एडजॉइनिंग, कभी भी आए, एक चाय पीने का मौका अपने साथ दें, दो गुफ्तगू होंगी, कुछ जानकारी आप हमें देंगे, कुछ हम आपको देंगे, तो वो ज्ञान हमारा आपका दोनों का बढ़ेगा।
तो आपका स्वागत है प्राधिकरण के बराबर में गुरुदेव रियल एस्टेट के दफ्तर में। कभी भी आप किसी भी टाइम वर्किंग टाइम में आ सकते हैं, 10 से लेके 8 बजे तक ये हमारा समय होता है काम का। 10 से 8 बजे तक आप कभी भी आए, आपको पूर्णतः हर सुविधा के साथ आपको संतुष्ट करके भेजा जाएगा। अभी करते हैं अपनी इस वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हुई तो जरूर मनोबल को बढ़ाएं कमेंट्स के माध्यम से, और वीडियो में त्रुटि आई है तो बताएं यहां हम गलत हैं, उसको हम सही करेंगे और कुछ अच्छी वीडियो आपके सामने डिलीवर करेंगे। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।